हेलो माय लवलीज, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में एज यूजुअल। तो ये देखिए, मैं आज ब्लॉगिंग कब स्टार्ट की हूँ, शाम का 4:30 हो रहा है और मैं अभी जस्ट वर्क से आई हूँ। मुझे मेरी एक ब्रिटिश फ्रेंड है सैम, उसका बर्थडे है, तो वो मुझे रिक्वेस्ट की कि मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं डिनर पे, कैन यू प्लीज मेक फूड फॉर मी, इंडियन फूड, ट्रेडिशनल इंडियन फूड। वो ऑर्डर नहीं करना चाह रही थी बाहर से, एंड शी इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, सो बहुत क्लोज है हमसे। आप मेरे वीडियोज में भी उसको देखते होंगे, शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, जब भी मुझे जरूरत होता है वो मेरे लिए खड़ी हो जाती है। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं जरूर खाना बनाऊंगी तुम्हारे लिए। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, कुछ कुछ स्टार्ट कर चुकी हूँ आके, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी क्या बना रही हूँ। सबसे पहले स्वीट डिश बना के मैं अलग कर रही हूँ। सो ये देखिए, मैं स्क्वायर स्क्वायर ब्रेड काट चुकी हूँ और यहाँ आप मिल्क देख रहे होंगे, मैं बॉईल कर चुकी हूँ, केसर एंड आलमंड्स और सारा ड्राई फ्रूट्स डाल के। आपको पता चल चुका होगा मैं ये क्या बनाई हूँ, बताइए क्या बनाई हूँ। ब्रेड पुडिंग, शाही टुकड़ा, बहुत यमी होता है ये शाही टुकड़ा, इट्स फैटी। राज घी, ऐसा आदत लगा है कि मैं यूके से घी लेती ही नहीं हूँ, मैं ऐसा ऑलमोस्ट 12 डब्बा लेके आती हूँ जो। तो चलिए मैं फटाफट बनाती हूँ। और दूसरे तरफ ये देखिए, मैं स्टार्टर्स के लिए पनीर टिक्का मैरिनेट कर दी थी कल रात में ही, तो अभी जा रही हूँ स्क्यूअर्स में लगाने। उसके बाद मैं बना रही हूँ गलौटी कबाब, देखिए राजमा का होता है गलौटी कबाब, तो ये बना रही हूँ। शाम को तो बल्ले बल्ले हो जाएगा क्योंकि मैं अभी ये पनीर टिक्का बना रही हूँ, वो गलौटी कबाब बना रही हूँ, बहुत सारा चीज़ बोली है। आई थिंक स्टार्टर्स में समोसा, पकौड़ा, चिली चिकन और क्या बोली है, बटर चिकन डिश में बोली है, छोले बोली है। तो देखिए अभी क्या क्या बनाती हूँ मैं। कुछ चीज़ तो कल ही रात में मैरिनेट करके बना के रख चुकी थी, बस अभी वो आएगी, मेरे पास सिर्फ 4 घंटा है, तो मैं इस 4 घंटे में फटाफट बनाती हूँ। चलिए मिलती हूँ, बाय बाय, टाटा। ये देखें, मेरा शाही टुकड़ा रेडी हो चुका है और ये रहा मेरा स्क्यूअर्स में जा चुका है। बस अब चल रहे हैं कलौटी कबाब बनाने। किसी भी चीज़ का रेसिपी चाहिए होगा, बस एक कमेंट छोड़िएगा मेरे लिए, मैं रेसिपी आपको दे दूंगी। ये देखें, मैं गलौटी कबाब का बना के टिकिया छोटा छोटा डालती हूँ, मज़ा आ गया देख के, मुंह में पानी आ रहा है, दूसरे के लिए बना रही हूँ, लग रहा है फटाफट खा लूँ मैं। ये देखें, ये अवन में जा चुका है और मैं अवन बंद की और चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ। तो बस अब मैं इंतज़ार करूँगी ये सब ले जा, वो आएगी लेने के लिए, अभी भी टाइम है यहाँ पे, तो वो आएगी लेने और डिनर के बाद मुझे रिव्यू छोड़ेगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर। सो माई लवलीज, आप देख रहे हैं सारा खाना रेडी हो चुका है, डाइनिंग टेबल पे बॉक्स में जा चुका है। अभी आपको जो अनप्रिपेयर्ड खाना था वो मैं थोड़ा बहुत बना रही थी और इधर कुछ बना के रखी हुई थी, तो मुझे कल भी एक्चुअली मैं वर्क पे गई थी तो आके जितना हो सका की, और ये मैं आधा कल खाना बना के रख दी थी फ्रिज में। तो ये देखिए, सारा कुछ निकाल कर बाहर सब कुछ रेडी है, बस वेट कर रही हूँ कि सैम आए और खाना को ले जाए। और बहुत सारा चीज़ था, जैसे चिली चिकन था, मैरिनेट कर दी, बंद कर दी। तो अभी ये देखिए, ये मैं चिली चिकन बनाई हूँ। सो ये देखें, चिली चिकन मस्त लग रहा है ना देखने पे। सो चिली चिकन के ऊपर आप देख रहे होंगे एक योगर्ट का चटनी है, जो धनिया पत्ती, जो कोरिएंडर चटनी होता है, उसमें यहाँ लोग दही डाल के बनाते हैं, और ये मैं टैमरिंड चटनी दी हूँ उसको, बिकॉज वो उसके लिए मैं पकौड़ाज भी बनाई हूँ स्टार्टर्स का। फिर ये मैं बनाई हूँ उसके लिए मीठे में सेवई है, लेकिन मैं इसमें काफ़ी केसर और ड्राई फ्रूट्स ये सब डाली हूँ। फिर ये मैं ये बॉक्स नहीं खोल रही हूँ, मैं बस दिखा रही हूँ, देखिए मैं उसके लिए नान बनाई हूँ, पूरा नान इसमें पैक की हूँ। यहाँ पे एक पापडम्स आता है, लेकिन मैं पापडम्स नहीं देखे, ये देखिए मैं इसको, वो इंडिया में एक नहीं आता है, तो यही मैं फ्रैम्स दी हूँ स्टार्टर्स के लिए, उन लोग को अच्छा लगता है पापडम्स यहाँ पर। फिर मैं यहाँ समोसाज दी हूँ इसको काफ़ी स्टार्टर्स के लिए। ये बॉक्स आप देख रहे होंगे, ये मैं पूरा पुलाव दी हूँ इसे, वेजिटेबल पुलाव, ये देखिए ये 3 बॉक्स पुलाव है। और फिर मैं दिखाती हूँ इधर क्या बनाई हूँ।
फिर मैं ये चना छोले बनाई हूँ। पीपल होते हैं उनको चिकपीस बहुत पसंद आता है। देखिए मैं वर्क से आके मैं लगी पड़ी थी, इसलिए देखने लायक शक्ल नहीं है। फिर मैं बनाई हूँ उसके पार्टी के लिए ये टिक्का मसाला बनाई हूँ, वेजिटेबल टिक्का मसाला। और मैं बनाई हूँ बटर चिकन, ये देखें बटर चिकन। तो ये सारा बटर चिकन है। सो ये देखें मैं उसके लिए वेजिटेबल, ये मैं दाल बनाई हूँ उसके लिए। सो ये रहा सारा खाना, उसका ये सारा मेन डिश था और ये स्टार्टर्स थे उसके, डिज़र्ट और पुलाव और नान और बस। और अभी एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, ये दिख रहा होगा मैं चाय बना रही हूँ। इसको कार्डमम टी अपने गेस्ट को पिलाना था, स्पेशली वो इंडियन थीम ही रखी है पार्टी का। यहाँ मैंगो लस्सी तो बन नहीं सकता है, तो मैं मैंगो पल्प लेके आई हूँ और अब जा रही हूँ मैंगो शेक बनाने। वो पूरे तरह से बर्थडे का थीम ही रखी है अपना इंडियन, तो उसका कपड़ा भी निकाली हूँ, उसको एक अपना सूट दे रही हूँ। तो यही सब हो रहा है आज, वो उसका बर्थडे कल है बट वो पार्टी आज थ्रो कर रही है। तो बस मैं फिंगर क्रॉस, मैं यही चाह रही हूँ कि लोग को खाना पसंद आए। अब देखिए क्या होता है, मैं बताऊंगी जरूर खाना कैसा लगा, फीडबैक आपको डालूंगी। ये देखिए थोड़ा सा चिली चिकन मैं अरु के लिए रख ली थी, थोड़ा सा पीस। तो चलती हूँ मैंगो लस्सी बनाती हूँ और उसको कॉल करती हूँ कि भाई आके अपना सामान ले जाओ। तो ये देखिए ये बन गया मैंगो लस्सी, 1 लीटर मैंगो लस्सी है और इसमें चाय है। बस सब ठीक है, मस्त है। मैं इतनी टायर्ड हो गई हूँ कि मेरा शक्ल आपको देखने से पता चल रहा होगा। तो मैं चेयर्स टू माई सेल्फ एंड माई फूड। तो मैं डालूंगी, देखती हूँ उन लोग क्या बोलता है मेरे खाने के बारे में। चलिए फिर, खाना देख के यही सोच रहे हैं कि क्यों ना पागल की तरह दूसरे के लिए काम करते, केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर देते इंग्लैंड में, इंडियन खाना का। अरे यार कैसा लगा, सुपर कैसा लगा? अच्छा कैसा लगा मैंगो लस्सी? टू टे फैटी? हूज देयर? किचन, थैंक यू सो मच फॉर कुकिंग फॉर मी। सैम यू बीइंग सो फॉर्मल। It's so beautiful. Thank you so much. Sam, you don't have to be so formal, and especially for Aru, he's a naughty chap. Yes. It's very beautiful. Thank you, Sam. Thank you. Let's go in. We are getting late. We'll get ready. Okay. Come on. Look at Sam. No worries. Look at Sam. Sam is wearing a salwar kurta suit. Namaste, she's doing. And look at her makeup, which I did it for her today. I am so beautiful. Yeah, now you are beautiful, my dear. Been touched Look by at her. Do you want to go round and show how it looks? Wow, it looks very nice. Sam, are you happy? I am very happy. Yeah, your party will be fabulous. Made a lots of food for me, so I can serve it up to my friends. It'll be a gorgeous evening. It'll be a fun evening tonight. How beautiful am I? Wait, How wait, wait. Beautiful am I? Sam How gone nuts. Wait, wait. Wait, Sam. Let me take a photo. So now Sam is coming and she is in a full mood. Are you doing bhangra? Very good. I've got an Indian food tonight. I've got Indian food, my friends. It's going to be fantastic for my birthday party. Yay! It's Sam's birthday and she's so excited. Yeah, I am. I'm so excited. Look at her. She's looking beautiful. Look at her. my outfit, my Indian outfit for my Indian meal for tonight. Oh, wow, Sam. Is all set? Yes, I'm all set. I've got all my food now from Kush's kitchen to have a fantastic Go and enjoy your evening. Indian party tonight now. Bye bye. So bye. Love you. Bye, Please do wish Sam a very happy birthday, my dear friend. 21 again. Yeah, 21 keep smiling again. And always stay blessed, my dear. Stay happy and healthy. That's all that you can be, happy and healthy. You're a lovely girl, Sam. Bye. Take care. Bye. Enjoy your evening. Mwah. ये देखिए सैम कुछ पिक्स भेजी थी अपने डाइनिंग टेबल का, आप गेंदा का फूल देख रहे होंगे
गर्ल्स को देख रहे होंगे दुपट्टा पहने हुए। सैम सारा फूड गर्म करके अच्छे से डेकोरेट करके सबको सर्व की, सबको काफ़ी पसंद आया। तो आप पिक्चर्स देख के पता ही चल रहा होगा कि लोग खुश हैं, और अब फीडबैक भी वो लोग भेजा, तो मैं सोची क्यों ना मैं अपने वीडियो में डाल दूँ इसको। ये फॉरेनर्स कितने खुश हो जाते हैं ना, अपना देसी कपड़ा, देसी खाना, गेंदा का फूल गले में डाल के एकदम खुश खुश हैं एकदम। ये रहा सैम का मार्क स्पेंसर का केक, कैटरपिलर केक, जो बहुत ही यमी और टेस्टी होता है। तो देखिए कितनी खुश लग रही है। It's all delicious. It's gorgeous. Thank you so much. Thank you. I love the chicken and the chickpeas. All of it. All of it. Love the rice. Thank you. Nice rice. Left a few for Bobby. Yeah. We've got very nice, fantastic food. Thank you. Very tasty. Yay.